ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े लॉस कर चुके हैं धीरे धीरे रिकवरी करना चाहते हैं कोई सेटअप नहीं मिल रहा कोई भी देखेगा एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा तो आप सिंपल तरीके से जैसे कि हमारे लोग हमारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम में जितने भी मेंबर्स हैं वो देखिएगा अपने लॉस रिकवर कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आइए जुड़िए हमसे सॉरी यहाँ पे इंडिया की तरफ़ से देखिएगा इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कंसर्न आ चुका है कंसर्न वही है पुराना बट ये अपने देखिएगा आठ हफ्ते यानी कि दो महीने के बाद इसमें कंसर्न फिर से उजागर हुआ है और ये अमेरिका के लिए तो अच्छी बात है लेकिन इंडिया और आर के लिए यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और आर के लिए ये बहुत बड़ा पेन देखने को मिल रहा है और ये पेन अगर बना रहता है तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट के लिए देखिएगा कोई भी अच्छी अपडेट नहीं है हमारी करेंसी के लिए और कैपिटल मार्केट में देखिएगा क्या होता है जो रिलेशन इस तरीके का होता है वो आप देख सकते हैं कि अगर हमारी करेंसी क्या और हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है तो हमारा कैपिटल मार्केट भी देखेगा क्या होगा प्रॉफिट बुकिंग देगा यानी कि कैपिटल मार्केट का डेप्रेशिएशन भी देखेगा डिनोट करता है करेंसी यानी कि करेंसी में अगर डेप्रिशिएशन है करेंसी लो की तरफ बढ़ रहा है तो कैपिटल मार्केट से पैसा क्या होगा आउटफ्लो होगा यानी कैश क्या होगा आउटफ्लो होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें वित्तीय घाटा होना शुरू हो जाता है जो करेंसी ट्रांसलेशन होता है यूएसडी डॉलर से उस डॉलर में जो पहले बचत हो रही होती है वो बचत कम हो जाती है सरप्लस कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है लॉसेस बढ़ जाते हैं तो इन सब चीजों से क्या होता है कैपिटल मार्केट की लिक्विडिटी कम होती है अब आपको ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए देखिएगा जो चीज़ आप बासठ रुपए में एक डॉलर खरीद रहे थे वो अब आप खरीद रहे होट्टी टू में तो ये जो गैप आया है बीस रुपए का ये पहले देखिएगा आपके वित्तीय घाटे में आपके लॉसेस में यानी कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखने को मिलेगा और यही बीस आपके कैपिटल मार्केट में आपकी कंपनियों में आपके इन्वेस्टमेंट में जाने वाले थे बट ये क्या हुआ इतने ही रेशियो से कम हो गए यानी बीस से कम हो गए तो बेसिकली बात क्या जाती है कि जितना ज्यादा डिप्रीशिएशन करेंसी में होगा उतना कैपिटल मार्केट के लिए निगेटिव अपडेट होता है 11 मिनट पहले अपडेट क्या आ रही है आप देख सकते हो कि 11 मिनट पहले हमारा जो इंडियन रूपी है यानी कि हमारा इंडियन रूपी गिर कर आठ हफ्तों के लो पर आ चुका है और आप देख सकते हैं यूएस डॉलर में तो तेजी है ही है ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है लेकिन इतनी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बाद भी कंट्रोल इन्फ्लेशन है हमारे के यहाँ फॉरेक्स बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो कि हम डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड को और बहुत तेज़ी से सिचुएशन अच्छी है जीडीपी ग्रोथ भी हमारी सारी अच्छी है जब इतनी अच्छी बेटर पोजीशन में भी अगर देखिएगा आपकी हमारी करेंसी क्या और ये डेप्रिशिएट हो रही है तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है बैंकों के लिए भी और सरकार के लिए भी तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे रुपया ने देखेगा फिर से एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है और यह सेटबैक अगर देखिएगा पे जाता है यानी रुपया ऑल टाइम लो पे स्लाइड होकर चला जाता है तो यह कहीं से भी अच्छी बात नहीं है यह कैपिटल मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई पर सस्टेन नहीं होने देगा क्योंकि इस समय कॉशियस एलिमेंट डोमेस्टिक मार्केट में रुपया है और फॉरेन मार्केट में फेड और सेलिंग यानी कि डेप्ट का डिफॉल्ट और ये सारी चीजें भी देखेगा मार्केट में बनी हुई हैं तो ऐसे में देखेगा बहुत कॉशियस रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंडियन रूपी डे बाई डे क्या हो रहा है डाउन हो रहा है और इवन थर्सडे यानी कि आज के दिन ये अपने आठ हफ्तों के लो पर आ चुका है ऑन द बैक हायर यूएस डील्ड एंड द दम डॉलर एज रिस्क एंटीमेंट इंप्रूव ऑन होप्स इमिनेंट डेप्थ सीलिंग डील तो आप समझ सकते हैं जितना ज्यादा डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी उतना ज्यादा हमारे लिए खराब बात है क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी तो आपको पता है रुपया गिरता चला जाएगा अब आप देख सकते हैं द रुपी वॉज डाउन एट 82.4750 अगेंस्ट द यूएस डॉलर कंपेयर टू इस प्रीवियस क्लोज 82.38 यानी कि आप देख सकते हैं केवल रात भर में कितना बड़ा परिवर्तन आया है और यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा बढ़ती जा रही है द रिसेंट ब्रेकआउट ऑफ द यू एस डॉलर इज गिविंग अ ट्रेडिशनल मूव इन यू एस डी आई एन आर एंड ऑयल ऑल्सो स्वंग बैक विच इज एडिंग सम प्रेशर टू द रूपी तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा ऑयल में पेन आएगा उतना ही ज़्यादा देखिएगा और ज़्यादा पेन आएगा किस में इंडियन रुपी में इंडियन करेंसी में अब ऐसा क्यों है क्योंकि आपको पता है सबसे बड़े इंपोर्टर हम हैं ऑयल के 80 परसेंट ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और आपको पता है रुपी का ट्रांसलेशन जितना ज़्यादा देखेगा डेप्रिशिएट होगा उतना ज़्यादा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होंगे और जिससे देखिएगा हमारे घाटे बढ़ते चले जाएंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आगे अगर आप बात करेंगे यूएस ट्रेजरी रोज ओवरनाइट एंड द डॉलर इंडेक्स सर्च टू एन एवर एवर सेवन वीक हाई अब ऐसा क्यों हो रहा है डॉलर भी सात हफ्तों के हाई पर है इसलिए रुपया भी देखिएगा आठ हफ्तों के हाई पर है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है डॉलर में स्ट्रेंथ बनी रह सकती है डॉलर में देखिएगा एक आउटकम आने वाला है अगर डेप्टीलिंग देखिएगा पूरी तरीके से डील डन हो जाती है तो डॉलर में और भी स्ट्रेंथ आ सकती है लेकिन यह हमारे लिए निगेटिव अपडेट हो जाएगी चूंकि तब रुपया ऑल टाइम लो पे भी जा सकता है एट्टी का लेवल भी बीट कर सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से इसके बाद रुपए के बाद हमारी बॉन्ड मार्केट जो एकदम शांत रहती थी इंडियन बॉन्ड मार्केट टू ईयर टेन ईयर वो भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है तो जितना देखिएगा बॉन्ड मार्केट में हमारे इंडियन बॉन्ड मार्केट में तेजी आएगी तो ये दोनों कॉशियस एलिमेंट बन जाएंगे एक तो आयन उसको चेक करते रहिए और दूसरा हमारा क्या होगा बॉन्ड मार्केट जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है तो निफ्टी बैंक में कॉशियस रहिएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट पास मंथ में काफ़ी बड़ी तेजी आई है बी कॉशियस वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच